सज्जना भक्तवृंद माता जी, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, हम लोग यूरोप अमेरिका में हरे कृष्णस ये नाम से प्रतिष्ठित, तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का मिशन, आप लोग सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्हें आज से 500 वर्ष पहले कुछ कम 450 ही होगा नवद्वीप में अवतीर्ण हुए थे, और शास्त्र सिद्धांत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, कृष्ण वर्ण तिशा अकृष्ण सांग पांगास्त पार्षद जगई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमे, ये श्रीमद भागवत की वाणी है। युग युग में कौन कौन अवतार भगवान ग्रहण करते हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु की अवतार वर्णन है, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण स्वयं कृष्ण, नहीं तो जो कृष्ण को सब समय वर्णन करते हैं कृष्ण वर्णम, बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण, कृष्ण वर्णम तिशा अकृष्ण शास्त्र में वर्णन है, भगवान शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्णतांगत गर्गमुनि, जब भगवान का गोष्ठी विचार किया था उस समय नंद महाराज को बताया था, लेकिन महाराज जी ये जो आपका पुत्र है इसको पहले शुक्ल रक्त तथा पीत, ये पीत वर्ण है, ये चैतन्य और कुछ शास्त्र सिद्धांत है, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, वो एक ही मिशन जो भगवान कृष्ण का, तो भगवान कृष्ण ऑर्डर किया सबको जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, ताकि मूर्ख लोग समझा ले, वो सब वो धर्म को ग्रहण नहीं किया, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, ये मूर्ख लोग ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धंते नराधवा, हम लोग भी मूर्ख है, बाकी एक बात हम लोग मान लेते हैं कि कृष्ण जो बोलते हैं सब ठीक बात, ज्यादा हमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पंडित बनने का कोई आवश्यकता नहीं, इतना ही हम लोग ये जब कृष्ण कॉन्शसनेस न्यूयॉर्क में मैं उसको रजिस्टर करने को लिए बंदोबस्त कर रहा था, तो वकील साहब वो मिस्टर गोल्डस्मिथ और सबका एक फ्रेंड सजेस्ट किया कि आप कृष्ण कॉन्शसनेस गॉड कॉन्शसनेस कीजिए, हमने रिफ्यूज किया कि अगर गॉड कॉन्शसनेस हम करें तो मूर्ख लोग हजारों गॉड ले आए, बाकी गॉड कृष्ण, कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं शास्त्र सिद्धांत, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि इरादि गोविंद सर्व कारण कार, वैदिक सिद्धांत, और भगवान खुद भी बता रहे हैं मत्त परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजय, और अर्जुन शिकार किया परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवा पुरुषम शाश्वतम आद्यम गोविंदम आदि पुरुषम तहम अहम आदि ही देवाना अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम भूधा भाव को, यही हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आपका ही कृष्ण है मथुरा जी के वृंदावन के, तो और बेसिक प्रिंसिपल क्या चीज है, कोई नई चीज नहीं है, जो भगवान बताए हैं भगवद गीता में उसी को प्रचार कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर चीज नहीं है, और हम लोग का ब्रेन भी उतना है नहीं कि कुछ आधुनिक विचार से मैन्युफैक्चर करके गॉड को प्रेजेंट किया जाए, वही पुरानी बात है जो कृष्ण कहते हैं, इसीलिए हमारा इस सोसाइटी का नाम है कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण जिस तरह से बताते हैं उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं, और कोई मुश्किल नहीं है कि समस्या क्या चीज है, समस्या ही है
ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन में भगवान क्या चीज है जीव समझ सकता है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है वो भी समझ सकता है, और उस संपर्क का ठीक करके विधि से उस प्रकार कार्य करने से हमारा जीवन सफल हो। संबंध अविधेय एंड प्रयोजन, तीन चीज वेद में बताया गया है। संबंध अविधेय जैसे वेदांत सूत्र में बता रहे हैं जो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य जीवन है ये ब्रह्म विषय में पूछना चाहिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा भागवत में तत्व, मनुष्य जीवन में बस यही एकमात्र कार्य है जो कि भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, और वो संपर्क रहने से क्या लाभ होगा, ये सब पूछना ताशना, उसको जीवन में कार्य में लगाना, ये मनुष्य जीवन है। ये सब शास्त्र का सिद्धांत है। कि अभी आते वक्त देखा वो बस में लिखा है, ये परिश्रम अलावा तो मनुष्य ठेला ठालने लगा, रिक्शा चलाने लगा, और इसका ऊपर भी और परिश्रम करते, इसका माने और क्या करना चाहिए, गधा हो जा और इससे ज्यादा क्या। बल्कि हमारा शास्त्र का सिद्धांत कि नायंग देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग। ये जो मनुष्य जीवन है ये जो सुअर जैसा है वीर भुजांग, वो जैसा दिन भर परिश्रम करता है गु खाने के लिए, दिन भर आप लोग मथुरा शहर में जरूर देखा होगा कि सुअर इधर उधर घूमता है, कहाँ गु है कहाँ गु है। तो शास्त्र ने मना करते जी इस प्रकार जीवन मनुष्य जीवन नहीं होना चाहिए। कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग जी, ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन ये दिन भर रात भर परिश्रम करो, कहाँ खाने का चीज है और खाने का कोई विचार नहीं है, जैसे सुअर का विचार नहीं है, जो मिले गु भी ठीक है, खान पान का कोई विचार नहीं, ये मनुष्य जीवन, ये विचार हमारा वैदिक शब्द का। तो मनुष्य जीवन में क्या होनी चाहिए, तपस्या तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। तपस्या करो, क्यों तपस्या किया जाए, खा पियो मजा करो, तपस्या क्यों किया जाए, नहीं, यदि तुम्हारा जीवन में उत्तरदायित्व तो है, यदि समझदार है तो तपस्या अवश्य करना चाहिए। जीन शुद्धित सत्या, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है सत्ता है वो अभी शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए। जैसे कोई बीमारी आदमी है उसको चाहिए डॉक्टर के पास जाना, दवाई पीना और बीमार से अच्छा हो जाना, शुद्ध होना उसके लिए उचित है। अगर नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, जानवर, जानवर पे ही नहीं जाता है। तो इसलिए बताते हैं शास्त्र में तपो दिव्यं पुत्र का, यदि शब्द अपने पुत्र को उपदेश दे रहा था रिटायर करने का पहले, बेटा सब तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या जस्माद् ब्रह्म सुखम अनंतम। तो हम लोग ये सभ्यता वैदिक सभ्यता हमारा देश में होते हुए भी हम लोग कोई नकल करते हैं, सुअर का ऐसा दिन भर परिश्रम करो और शरीर जब तागा तगड़ा हो गया फिर उस सेक्स एंजॉय करो, उसमें कोई विचार का जरूरत नहीं है, जैसे सुअर का विचार नहीं है, माँ क्या है बहन क्या है लड़की क्या है नहीं किसी से हो जाए। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दिस इज आवर सिविलाइजेशन। तपो दिव्यंग पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। हम लोग सब भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवत गीता की पहली बात है देह नस्मिन यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व न हो। ये देहांतर होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन स्कॉलर सब गीता का ऊपर टिप्पणी टीका सब लिखते हैं, अच्छी इसको कोई समझाता नहीं कि तुम्हारा देहांतर हो जाएगा। आज तुम इंडियन है कल और कुछ हो सकेगा, और मनुष्य भी नहीं हो सकेंगे, शायद जानवर भी हो सकेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ में नहीं है।
अभी जितना तुम उस्ताद करो, ये शरीर जब छूट जाएगा, प्रकृति क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अभी चाहे जितना उस्ताद कर लो, हम ये है वो है वो है, बाकी मरने का बाद वो तो प्रकृति का हक है बस। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर तो होगा, और इस विषय में कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन है नहीं। जो देहांतर जो होगा, किस प्रकार का देहांतर मिलेगा, सुअर का मिलेगा कि देवता का मिलेगा कि पेड़ का मिलेगा कि मक्खी का मिलेगा, ये सब विचार कुछ है। अंधा जथा अंधी रूपनीय माना देवी स्वतंत्र उदगामी बध्या, प्रति का नियम से वो बधा हुआ है, वो तब भी वो सोचता नहीं, और लीडर लोग उसको भ्रम पथ में चलाते हैं। अंधा जथा अंधी रूपनीय मान, ये सब चल रहा है सारा दुनिया में। तो हमारा देश में ये सब ज्ञान मौजूद, भगवान स्वयं आके बताते हैं, वेद आदि शास्त्र है, वेद पुराण आदि शास्त्र है, बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, आचार्य लोग इसको सब प्रचार किया। और ये सब चीज हम अगर छोड़ देते हैं, वो सुअर कुकर का ऐसे केवल परिश्रम करो, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये कोई ठीक नहीं। परिश्रम सुअर भी करता है, गधा भी करता है, वही उद्देश्य क्या है? तो आप लोग सब बड़े बड़े सज्जन इधर उपस्थित है, हम लोग का यही विनती है कि ये जो सिविलाइजेशन, दिन भर परिश्रम करो, परिश्रम तो करनी पड़ेगा, तपस्या भी एक भारी परिश्रम है, साधारण परिश्रम नहीं है, बाकी परिश्रम कुछ चीज का लिए करो। Chao se mate Bhakti Vedantana Ebe Sartha Sartha